हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन। अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ग्रेड आर एम इज इक्वल टू डेल इंटू डेल आर रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू फाइ एम इंटू एम प्लस वन इंटू आर रेस टू द पावर एम माइनस टू। अपन को ये सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर ये अपन को सिद्ध करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना आप लोग के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। और अपन इसका सेकंड वाला एक और है इसी में, ग्रेड कर्ल ग्रेड आर रेस टू द पावर एम इंटू डेल क्रॉस इंटू डेल रेस टू दी आर रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू जीरो, ये भी अपन को सिद्ध करना है जो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाई यूनिट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है सिलेबस अभी थोड़े से चेंज हो गए, इसलिए हम अब पेपर बाय पेपर मतलब सेकंड पेपर में आप लोग के लिए वीडियो ऑल वीडियो मैथ्स की दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा जो जो आप लोग के सिलेबस में मैच करे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए जरूर समझना। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ग्रेड आर एम निकाल दें, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस लगा दें। ग्रेड आर एम मतलब डेल इंटू आर रेस टू दी पावर एम, मतलब डॉट गुणा करना पड़ता है अपन को ग्रेड आर एम चाहिए। ग्रेड का मतलब होता है डेल इंटू आर रेस टू दी पावर एम। ठीक है, अगर कर लो होता तो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल की वैल्यू होती अपनी आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ठीक है, इंटू आर रेस टू दी पावर एम, आर रेस टू दी पावर एम का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना i कैप d अपॉन डी एक्स इंटू आर रेस टू दी पावर m प्लस j कैप d अपॉन डी वाई आर रेस टू दी पावर m प्लस k कैप d अपॉन डी जेड आर रेस टू दी पावर m। ठीक है, इतना क्लियर है। आर एम का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं, तो अपना आ जाएगा i कैप जो कहते हुए रहेगा x के सापेक्ष करना है, यानी m की पावर आगे आ जाएगी एम माइनस वन हो जाएगा इंटू अपन डी आर अपॉन डी एक्स लिख देंगे। अपन को बाई के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे करेंगे, अपना जे कैप साथ में रहेगा एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस वन डी आर अपॉन डी वाई। इसी प्रकार जेड के सापेक्ष करना है, अपना के कैप जो कहते हो रहेगा एम आगे आ जाएगा आर अपन यानी पावर को आगे ले लेते हैं, उसमें से एक घात घटा देते एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी जेड ये हो गया अपन का ग्रेड आर रेस टू दी पावर एम। अब पूरे में से अपन का ये कॉमन आ रहा है एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस वन, ये कॉमन ले लेते हैं सब में से। ठीक है, तो एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस वन, ऐसा नहीं ऐसा एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस वन पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा अपना आई कैप डी आर अपॉन डी एक्स और यहाँ बचेगा अपना प्लस जे कैप डी आर अपॉन डी वाई बचेगा और यहाँ बचेगा अपन का के कैप इंटू डी आर अपॉन डी जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अपन इसका अवकलन करते हैं, एम आर रेस टू दी पावर अपना एम माइनस वन है, यहाँ अपन एक्स से साबित करेंगे, तो आई कैप यहाँ आ जाएगा अपना एक्स अपॉन आर और यहाँ अपना जे कैप बाई अपॉन आर और यहाँ अपना प्लस के कैप जेड अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, डी आर अपॉन डी एक्स यानी इसको एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं और इसको बाई अपॉन आर और इसको जेड अपॉन आर लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब पूरे में से अपन आर का आर एल सी एम ले लेते हैं। ठीक है, तो एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस वन एल सी एम ले लेते हैं अपन आर पूरे में से, तो अपना ऊपर आएगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप बाय और यहाँ के कैप जेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर की पावर कितनी है एम माइनस वन, इसके ऊपर के की पावर है आर के ऊपर वन की पावर है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन की पावर आ जाएगी, यानी आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू लिख सकते हैं और यहाँ अपना अंदर बचेगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप बाय प्लस के कैप जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपनी ग्रेड आर रेस टू दी पावर एम की। अपन को क्या चाहिए, डाइवर्जेंस। अपन देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डाइवर्जेंस ग्रेड आर एम, तो अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली। अपन को क्या चाहिए, अब उसका डाइवर्जेंस चाहिए। ठीक है, अपना ये आ गया डाइवर्जेंस, अपन को ग्रेड आर एम की वैल्यू रखनी है। क्या थी अपनी, एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू, यहाँ पे तो अपना एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इतना था, ये हो गया डाइवर्जेंस। मतलब इसका डेल निकालना, डेल इंटू
इसका अपन को मल्टीप्लाई करना है इसमें एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो अपन डेल की वैल्यू क्या थी अपनी, आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ठीक है, और अपना इनटू में क्या चल रहा था, एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जब अपन, देखो अब इसका सदिश गुण यानी कि इनटू वाला डॉट वाला गुणा करना है तो अपन का आई आई वाले देखो गुणा किस प्रकार होगा, एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू को अपन बाहर ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा प्लस बाय इंटू डी अपॉन डी वाई आ जाएगा प्लस जेड अपॉन डी जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू का, तो आ जाएगा एम आर एम माइनस टू अपना डी अपॉन डी एक्स इंटू अपना एक्स चल रहा है प्लस डी अपॉन डी वाई, इसका अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू इंटू वाई आ जाएगा प्लस डी अपॉन डी जेड, अब इसका इसमें करेंगे तो एम आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू इंटू जेड आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो अपन एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे अपन ऐसा लगा दी, इसका सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू एम इंटू आर एम माइनस टू इंटू एक्स, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको अपन एम को आगे ले लेते हैं, यहाँ बचेगा अपना डी अपॉन डी एक्स आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू इंटू एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो एम इंटू पहले दो पद है अपना, इसका सबसे पहले इसको स्थिर ले लेते हैं, ठीक है, एक्स को, तो अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो अपना वन आ जाएगा यानी आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू प्लस, अब इसके सापेक्ष करेंगे तो अपना एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, इसका करेंगे तो m माइनस टू आगे आ जाएगा और r के ऊपर पावर आ जाएगी m माइनस थ्री और अपना क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स डी आर अपॉन डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले इसके सापेक्ष किया फिर इसके सापेक्ष किया, ठीक है, अब डी आर अपॉन डी एक्स के स्थान पर क्या ले सकते हैं, x अपॉन r यानी m इंटू आर रेस टू दी पावर m, आप लोग साथ में करते जाइएगा सॉल्व, ठीक है, जहाँ मिस्टेक हो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, m माइनस टू आर रेस टू दी पावर एम माइनस थ्री, इसको लिख सकते अपन एक्स अपॉन आर। अब देखो अब क्या करना है, अच्छा आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, इजी है आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है, आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू अपने साथ में चल रहा है एक्स, एक्स इंटू एक्स अपन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया एम माइनस टू, अब देखो आर के ऊपर अपन की क्या है एम माइनस थ्री और इसके अपन के आर के ऊपर वन की है ये नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे आर रेस टू दी पावर माइनस वन आ जाएगी, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो गुणा में घाते जुड़ेंगी तो माइनस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फोर यानी एम माइनस फोर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपन की डी अपॉन डी एक्स एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू इंटू एक्स, अपन निकालेंगे इसी प्रकार अपन डी अपॉन डी वाई एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू लिख देंगे, कैसे लिख देंगे एम, ठीक है, इंटू आर एम माइनस टू प्लस एम माइनस टू आर रेस टू दी पावर एम माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एम का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू प्लस एम इंटू एम माइनस टू आर रेस टू दी पावर एम माइनस फोर इंटू बाय स्क्वायर, यहाँ पे भी कर देते हैं तो एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू प्लस एम टू एम माइनस टू आर रेस टू दी पावर एम माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर, ये अपन की बाय के लिए हो गए। इसी प्रकार जेड के लिए भी लिख देंगे एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू प्लस एम इंटू एम माइनस टू आर रेस टू दी पावर एम माइनस फोर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इसकी सबकी वैल्यू अपन ने जो डाइवर्जेंस ग्रिड आर एम की वैल्यू आई थी अपनी यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, यहाँ पे अपन डी अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू डी अपॉन डी वाई एम आर एम माइनस टू बाई की वैल्यू और यहाँ पे अपन डी अपॉन डी जेड एम आर एम माइनस टू जेड तीनों की वैल्यू रख देंगे। अब देखो तीनों को अपन को प्लस करना है तो एम आर एम माइनस टू तीनों में यानी थ्री एम इंटू आर रेस टू दी पावर एम माइनस टू तीनों को जोड़ेंगे तो तीन आ जाएंगे, ठीक है, और फिर जब इनको जोड़ेंगे
तो यहाँ पे भी अपन का 3m आ जाएगा, यानी कि m माइनस टू m, m माइनस टू तीनों में से कॉमन ले, जब इन तीनों को जोड़ेंगे इसमें से अपन का कॉमन क्या क्या आ जाएगा, m, m माइनस टू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस फोर, ये तीनों में है ठीक है। अपन ये कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। इतना क्लियर है, आप लोग देख लीजिएगा तीनों को जोड़ के, जब समीकरण एक में वैल्यू रखेंगे तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लिया ठीक है। यहाँ पे अपन का आ जाएगा 3m इंटू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, m इंटू एम माइनस टू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता अपना आर स्क्वायर ठीक है। आर स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, 3m इंटू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, m इंटू एम माइनस टू। अब देखो r की पावर यहाँ पे m माइनस टू है, गुणा में घाते जोड़ेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो माइनस फोर आ जाएगा और प्लस टू यानी अपना माइनस टू आ जाएगा r रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, जब इन दोनों की घातों को जोड़ेंगे क्योंकि आधार समान है ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन का कॉमन आ रहा है m इंटू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा अपना 3 प्लस m माइनस टू बचेगा ठीक है। यहाँ से ये और ये चीज़ कॉमन ले ली। अब देखो यहाँ आ जाएगा m इंटू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, 3 माइनस टू अपना 1 हो जाएगा यानी m प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं m इंटू एम प्लस 1 इंटू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, ये हो गया अपन का, यही अपन को सिद्ध करना था ठीक है। अतः डाइवर्जेंस ग्रेड आर रेस्ट टू दी पावर m इज इक्वल टू m m प्लस 1 इंटू आर रेस्ट टू दी पावर m माइनस टू, ये हो गया अपना प्रूव्ड ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू। और हम अगला क्वेश्चन जो लेके आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट देखते रहिएगा ठीक है। थैंक यू।